हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक इज माई स्कूल। बेटा, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का न्यू टॉपिक कराने जा रही हूँ, जो है माई स्कूल इज मेरा स्कूल। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसके बारे में आपको बताना है कि आपका स्कूल कैसा है, कितने रूम्स हैं और कितने स्टूडेंट्स आपके स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, इस माई स्कूल में यही आपको बताना है। तो सारे बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इसकी हिंदी जैसे मैं कराती हूँ लाइन वाइज आप समझते जाना। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो हमारा आज का टॉपिक है हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक माई स्कूल। मेरा स्कूल, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसके बारे में आपको बताना है। ए स्कूल इज ए टेम्पल ऑफ लर्निंग। एक स्कूल जो होता है वो मंदिर होता है सीखने का। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे जो टीचर होते हैं हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो जो स्कूल होता है वो एक मंदिर होता है हमें कुछ सीखने का। ठीक है बेटा, लर्निंग इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ माइंड बॉडी एंड करेक्टर। ठीक है, स्कूल में हमें जो स्कूल में है हमारा माइंड जो डेवलप होता है, माइंड डेवलप होता है। ठीक है, बॉडी एंड करेक्टर सीख और हमारा जो करेक्टर है उसको भी डेवलप किया जाता है। ठीक है बेटा, हम हमारे जो ऑल ओवर हमारी जो डेवलपमेंट होता है वो स्कूल में होता है। ठीक है बेटा, ए गुड स्कूल इज ए प्राइड ऑफ कंट्री। एक अच्छा स्कूल होता है तो जो देश है देश भी गर्व करता है। तो आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके बारे में बताएंगे। आई स्टडी इन MAP स्कूल। मैं महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। आप जिस स्कूल में भी पढ़ते हो, कोई भी स्कूल हो, उसका आप यहाँ पर नेम जो है मेंशन करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप किस स्कूल में पढ़ते हो? महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। इट इज सिचुएटेड इन काली माता रोड रेवाड़ी। जो महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल है वो कहाँ पर है? वो काली माता रोड रेवाड़ी, वो काली माता रोड के रोड है जो वहाँ पर सिचुएटेड है, वहाँ पर स्थित है। इट हैज ए ग्रैंड बिल्डिंग। उसकी एक ग्रैंड बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। इट हैज 3 ब्लॉक्स। उसमें हमारे स्कूल में 3 ब्लॉक्स हैं। इट हैज ए 25 लार्ज एंड वेल वेंटिलेटेड रूम्स। हमारे स्कूल में 25 लार्ज बड़े कमरे हैं और वेंटिलेटेड रूम्स हैं जिसमें हवा आर पार जाती है, अच्छे से रोशनी आती है। ऐसे हमारे स्कूल में रूम है। देयर इज ए बिग होल। एक बड़ा होल भी है हमारे स्कूल में। देयर आर 3 लेबोरेटरीज एंड ए बिग लाइब्रेरी। हमारे स्कूल में 3 लेबोरेटरीज हैं और एक बिग लाइब्रेरी है। 3 लेबोरेटरीज एंड बिग लाइब्रेरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की हमारी लेबोरेटरीज हैं और जो लाइब्रेरी बड़ी लाइब्रेरी भी है। देयर इज ए स्पेशियस प्लेग्राउंड। और खेलने के लिए एक बड़ा प्लेग्राउंड भी है जिसमें सारे बच्चे आसानी से खेल सके। देयर आर 2000 स्टूडेंट्स ऑन रोल। हमारे स्कूल में 2000 बच्चे पढ़ते हैं। ऑन रोल है मतलब इस टाइम पढ़ रहे हैं। द स्टाफ मेंबर्स आर ट्रेंड एफिशिएंट एंड डेडिकेटेड। जो हमारा स्टाफ मेंबर है, हमारे
जो टीचर्स हैं वो वेल ट्रेंड है, हार्ड वर्किंग है, एफिशिएंट एंड डेडिकेटेड है, मतलब स्कूल के प्रति समर्पित हैं, वो अच्छे से अपना काम करते हैं, अच्छे से हमें पढ़ाते हैं। आवर प्रिंसिपल इज ए डिसिप्लिन्ड पर्सन। जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं या मैम हैं वो एक डिसिप्लिन्ड पर्सन है, वो मतलब स्कूल में डिसिप्लिन रखते हैं। ही इज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो एक अच्छे प्रशासक भी हैं, स्कूल को अच्छे डिसिप्लिन में रखते हैं। आवर स्कूल शोज ब्रिलियंट रिजल्ट एवरी ईयर। हमारे स्कूल का जो रिजल्ट है एवरी ईयर अच्छा आता है, ब्रिलियंट आता है हमारे स्कूल का जो रिजल्ट है। आवर स्कूल गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारा स्कूल करिकुलर एक्टिविटीज को भी महत्व देता है। आई लव माई स्कूल वेरी मच। मैं अपने स्कूल से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं अपने स्कूल से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप मैंने आज आपको माई स्कूल जो है वो आपको राइट कराया है, ठीक है, और आपको उसकी हिंदी भी आपको करवाई है। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अदरवाइज फिर भी बेटा ना समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, माई स्कूल के बारे में, जो आज जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसके बारे में आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका होमवर्क है, आपको ये राइट करना है अपनी फेयर नोटबुक में और लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।